हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का शुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए गजब गजब की टिप्स। तो आज आप लोगों को ना चाकू की ज़रूरत है, ना पिलर की ज़रूरत है, ना छुरी की ज़रूरत है, ना अजिए की ज़रूरत है, और फिर भी मैं आप लोगों को मिर्ची कट करके दिखाऊंगी। बिल्कुल भी आपके हाथों में मिर्ची नहीं लगने वाली है। तो बने रहिए लास्ट तक। अगर आप लोगों को मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगती है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी ना उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे और उसका फ़ायदा उठा पाओगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। तो अच्छे लगे तो ज़रूर से थोड़ा लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी पहले किचन टिप्स है जो ग्वार की फली को लेके है। तो बहुत लोग किस तरीके से कट करते हैं, इस तरीके से एक ले लेते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे कट करते हैं। तो इस तरीके से कट नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोग तो अपना बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो वो चाकू का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। किस तरीके से कट करते हैं वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बहुत लोग इतने होशियार होते हैं कि वो हाथों से ही फली को तोड़ के सब्जी बनाते हैं। तो ये देख लीजिए भाई। तो पहले के जो लोग होते हैं वो बैठ जाते हैं फ्री टाइम में और इस तरीके से इसको तोड़ते हैं, लेकिन इस तरीके से भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। एक एक काटने से भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो क्या करूँ जिससे कि समय ना लगे, फटाफट से सब्जी बन जाए। जब हमको ग्वार की फली काट सब्जी बनानी होती है ना, तो हमको पहले से प्रिपरेशन करके रखना पड़ता है। सुबह बनानी होती है तो शाम को उसको कट करके रखना पड़ता है, और शाम को बनानी पड़ती है तो दोपहर में कट करके रखना पड़ता है, तभी ये कहीं हमारी सब्जी बन पाती है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को एक नया सा तरीका दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। तो हमको लेना 6 से 8 इकट्ठी एक साथ जो फली है, और उनके जो पूंछ साइड होती है ना, ऊपर का साइड, वो हमको सारा कट कर देना है। एक साइड में इस ऐसे कट करना है। तो चलिए फिर से एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो इस तरीके से इस साइड हमको ऊपर की साइड पकड़ना है पूरी, इस तरीके से। नीचे छोटी बड़ी होती रहे कोई बात नहीं, हमको ऊपर की साइड पकड़ना है। ये देख लीजिए इस तरीके से, जितनी आपके हाथ में बन सके, जितनी आप एडजस्ट कर पाओ उतनी ले लो एक साथ में। तो जितनी उसके ऊपर पूंछी साइड थी ना, पूंछड़ी, तो वो हमको कट कर दी ना, फिर धीरे इस तरीके से चाकू से कट कर देना। अगर आपकी जैसे नॉर्मल कट करते हो ना, उसमें 15 मिनट लगेंगे ना, तो ये 5 मिनट पर ही कट के रेडी हो जाएगी, है ना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो नेक्स्ट टिप्स है, हमारी बोतलें बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, खासकर गर्मियों में, तो उनके ढक्कन में पड़ी होती है, तो उनको हम किस तरीके से यूज़ करें। तो कभी का क्या होता है कि हम गैस का जो होता है ना, गैस के जो नीचे पाए होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा जाम हो जाते हैं स्लिप पे कि वो चिपक, हम जब क्लीन करते हैं ना तो चिपक से जाते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ढक्कन। तो ढक्कन हम पाइए के नीचे इस तरीके से लगा देंगे। 4 ढक्कन चाहिए हमको, 4 पहिए के ऊपर, मतलब पहिए के नीचे हम लगा देंगे। तो इस तरीके से, ये देख लीजिए। तो अब हम इसको खिसका के आपको दिखाते हैं। बहुत ईजिली ये खिसक सकती है, आगे पीछे हो सकती है, तो इससे आप गैस के नीचे आराम से क्लीन कर सकते हो। तो बताना कैसे लगा आपको हमारा किचन टिप्स। तो चलिए अब पढ़ाती हूँ मेरा मेन टिप्स जो है मिर्ची काटने का, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मैं बताऊँगी आप लोगों को 2 तरीके बताऊँगी मिर्ची कट करने का, जिससे कि आपके बिल्कुल भी हाथों में मिर्ची नहीं लगने वाली। तो पहला तो ये नॉर्मल तरीका है जो कि हम सब लोग कट करते हैं, तो उससे हमारे हाथ में भी कट लग जाता है कभी कभी, तो उसमें मिर्ची इतनी भयंकर लगती है ना, बहुत ज़्यादा। तो ये तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि नॉर्मल लोग किस तरीके से कट करते हैं, लेकिन हमको इस तरीके से कट करना नहीं है, हमको अपना दिमाग लगाना है, तो दिमाग के साथ काम करना है। तो चलिए, मेरे अंगूठे में कट भी लग गई है, क्योंकि मैं ज़्यादातर सब्जी इसी तरीके से कट करती थी पहले, लेकिन अब तो भैया सब हाउस वाइफ है ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ किस किस तरीके से हम मिर्ची को कट करेंगे। हमको चाकू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या लेंगे पता है आप लोगों को, हम लेंगे सीजर यानी कि कैंची। हम कैंची का यूज़ करके ये मिर्ची को कट करेंगे। ये वाली सीजर को मैं ज़्यादातर सब्जियाँ कट करने में ही यूज़ करती हूँ। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से डंठल के साइड से हम पकड़ लेंगे, और इस तरीके से आपको जितनी बड़ी मिर्ची का साइज चाहिए उस हिसाब से आप इसको कट कर सकते हो। ये देख लो इस तरीके से। मैं तो ज़्यादातर मिर्ची बहुत तीखी होती है छोटी वाली, तो हाथ में लग जाती है तो बहुत ज़्यादा देर तक जलन रहती है, तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से कट करती हूँ। लेकिन मेरे पास एक तरीका और भी है, वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो कैसे, वो मैं आप लोग को बताती हूँ। हमको लेना है 1 गिलास लेना है, और उसमें डालनी है हरी मिर्ची, इस तरीके से डंठल उसके निकाल देने हैं और हरी मिर्ची उसमें डाल देना है। और उसके बाद जितने भी आपको मतलब करनी है, 5, 6, 8, 10, 15 जितने मिर्ची का आपको कट करनी है वो। अब हम क्या लेंगे, बेलन। तो हमने ले लिया है बेलन। तो बेलन का यूज़ करके किस तरीके से मिर्ची कट करने वाले हैं ना,
वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये देख लीजिए इस तरीके से, मेरी सासू माँ भी इसी तरीके से यूज़ करती थी। क्या होता है कि जब हम मिर्ची कट करते हैं ना, थोड़ी वो मोटी मोटी रह जाती है ना, तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि मिर्ची को निकाल के फेंक देते हैं, और इस तरीके से अगर हम करेंगे ना तो सब्जी में खुल जाती है, तो बिल्कुल भी निकालने की मतलब कोई टेंशन ही नहीं रहती कि बच्चे निकाल के मिर्ची फेंक देंगे। तो ये देख लीजिए, ये भी बहुत ईजीली तरीका है। अगर आपके पास चाकू छुरी पिलर कुछ भी नहीं है तो आप इस तरीके से भी मिर्ची को कट कर सकते हो। मिर्ची ही नहीं, बहुत बहुत सारी चीज़ें, लहसुन को भी ऐसी इसी तरीके से इसमें कट कर सकते हो। मैं तो हमेशा मिर्ची के लिए यही वाला तरीका यूज़ करती हूँ, आप लोग कौन सा करते हो मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए इसको कट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो सुबह का टाइम है, मुझे बनानी थी दाल, तो दाल के लिए मुझे मिर्ची चाहिए थी, है ना, कितनी बारीक एकदम फाइन कट के रेडी हुई है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे टिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो अच्छे लग रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना। चलिए एक टिप्स और भी दे देती हूँ फटाफट से आप लोगों को। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो रील होती है, घर में रील मशीन हो या ना हो, रील हर किसी के घर में मिलती है, सुई और धागा, तो हम इसी तरीके से धागे को रख देते हैं, तो धागा इस तरीके से निकलता रहता है एक दूसरे में उलझ जाता है, और हमको जिसका छोर चाहिए होता है उसका मिलता नहीं है। तो हमको क्या करना है, इस तरीके से ये गोला गोला है ना, इसमें लगाना है कट, इस तरीके से चाकू हो कैंची हो दोनों साइड लगाना है, चाहे चाकू से लगा लो कैंची से लगा लो, और फिर हमको जो इसका धागा का छोर है ना, तो छोर हमको ले लेना है, और ये देख लीजिए दिख रहा है ना, और इसको जो कटिंग हमने लगाई थी ना उसमें फंसा देना है ना, तो उसमें से निकलेगा नहीं, फिर ऐसे ही फंसा रहेगा तो दूसरे में उलझेगा नहीं, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और आपको छोर बहुत ईजिली मिल जाएगा जब आपको ज़रूरत रहेगी तब। तो ये देख लीजिए है ना, मैं तो छोटे छोटे ट्रिक्स यूज़ करती रहती हूँ जिससे कि बहुत सारा समय बच जाता है मेरा। तो आप लोग भी यूज़ करिए, आप लोग भी इस क्या बोलते चालाक जमाने में चालाक हाउसवाइफ बनो भाई। तो ये देख लीजिए है ना, इसी तरीके से लगाना है इसको। तो चलिए आज की टिप्स अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।